नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। गुजरात में आप सरकार बनी तो राज्य भ्रष्टाचार और भय मुक्त होगा, अरविंद केजरीवाल का कहना। आसाम में 2016 के बाद 15,000 से ज्यादा युवा उग्रवाद में हुए शामिल, 8,000 ने किया आत्मसमर्पण। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का ऑडिट होना चाहिए, संसद पैनल का कहना। जम्मू एंड कश्मीर एसआई भर्ती घोटाला, यूपी हरियाणा दिल्ली समेत 33 ठिकानों पर सीबीआई के छापे। दमन एंड द्वीप नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका, जदयू के सत्ता में से 15 सदस्य बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में डेंगू का कहर जारी, एक सप्ताह में 51 केस हुए दर्ज। सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में लगी भीषण आग, 6 की हुई मौत। महाराष्ट्र सहित उत्तराखंड के जिले में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। अमरावती मर्डर केस में एनआईए ने फरार आरोपी शमीम अहमद पर 2,00,000 का इनाम किया घोषित। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और झारखंड की राजधानी रांची में 2 बच्चियां हुई दरिंदगी का शिकार, स्कूल बस में ही किया बच्चे से रेप।